AI Pro Help न्यूज़ चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ AI से रिलेटेड जो भी नए अपडेट आए हुए हैं इस हफ्ते। और हर दिन AI में कुछ ना कुछ नए अपडेट आते ही रहते हैं दोस्तों। इसलिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही हम लोगों को AI के अपडेट के बारे में जानने की बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। इससे डेली अपडेट आते रहते हैं, जो कि चाहे आप प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हो, चाहे आप सामान्य नागरिक हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, आपको AI से रिलेटेड जो अपडेट है उसकी उसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं न्यूज क्या है AI से रिलेटेड दोस्तों। पहली न्यूज है मेडिकल से संबंधित की, नाउ AI पावर्ड रोबोट टू परफॉर्म द नी सर्जरी। घुटने का ऑपरेशन करने के लिए अब AI पावर्ड रोबोट के द्वारा अब घुटने का ऑपरेशन किया जा रहा है दोस्तों। यह कहीं ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने यह कारनामा कर दिखाया है। और आपको पता ही है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में, हर जिले में, हर हर राज्य में घुटने के कितने मरीज हैं जो घुटने की समस्या से पीड़ित है। तो उन सभी समस्याओं से निजात करवाता है यह रोबोट, और यह एक मेडिकल के फील्ड में वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। न्यूज आप थोड़ा देख लीजिए कि क्या है। देखिए, यही वो रोबोट है जिसको आर्थो रोबोट कहा जाता है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इनेबल्ड है। और दोस्तों, यहाँ के डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि इस रोबोट के द्वारा किया गया ऑपरेशन मैनुअल ऑपरेशन की तुलना में 90% ज्यादा सक्सेस है और 90% ज्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से देख लेते हैं हम कि किस तरीके से इस यह रोबोट के द्वारा किया गया ऑपरेशन मैनुअल ऑपरेशन से की तुलना में कितना अधिक कारगर होता है मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर यह है कि कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित, क्रांति से संबंधित है, जिसमें AI का यूज करके एक कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रोबोट बनाया गया है। और इस रोबोट की खास बात यह है कि यह रोबोट पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता है, यह रोबोट चलता है सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से चलता है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, यही रोबोट है और ये पूरा डेटा डिस्प्ले करता है, इसके अंदर डेटा भी फीड होता है और यह कार्बन एमिशन में भी कमी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम एमिट करता है, पर्यावरण के लिए भी सही है। और दोस्तों, मैन पावर की भी कम लागत लगती है, कम लागत में ज्यादा उत्पादन करता है, टाइमली उत्पादन करता है दोस्तों, टाइमली खेती भी हो जाती है, इसलिए किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है दोस्तों। और यह भारत में भी अब शीघ्र ही आने वाला है। इस तरीके से AI किस तरीके से लोगों के सामान्य जन जीवन को, मेडिकल को, कृषि को, एजुकेशन को, हर एक फील्ड को धीरे धीरे जो है सुदृढ़ करता जा रहा है दोस्तों। अब अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है AI हाउ टू सेंटर स्टेज इन द हार्वर्ड राइटर स्ट्राइक। दोस्तों, ये न्यूज ऐसी है कि आपको पता ही है कि आजकल AI से रिलेटेड कितने टूल आए हैं। AI से ब्लॉग राइटिंग के लिए, AI से इमेज क्रिएट हो जा रही है, AI से आप अगर कुछ लिखना चाहें तो आपको ईमेल लिखना हो, ब्लॉग क्रिएट करना हो या वेबसाइट बनानी हो, तो कितना जल्दी से जल्दी सारे काम हो जा रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, जब हमारी फिल्में बनती हैं तो उसमें राइटर का काम होता है स्टोरी लिखने का, स्क्रीन प्ले लिखने का, डायलॉग लिखने का काम होता है, तो सारे के सारे काम आज AI के टूल के द्वारा होते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हॉलीवुड में स्ट्राइक हुई है कि जो राइटर हैं या जो फोटोग्राफी से संबंधित जिनका काम है, उनके काम में कमी होती जा रही है, उनका काम AI धीरे धीरे लेता जा रहा है दोस्तों। इसलिए उन लोगों ने अपने यहाँ पे स्ट्राइक की है। जरा आपको दिखा देते हैं कि क्या स्ट्राइक किए उन्होंने, किस तरीके से। देखिए, सभी लोग स्ट्राइक किए हुए हैं दोस्तों। क्या है कि जैसे आपका सिंथेसिया टूल हो गया, DID हो गया, डिस्क्रिप्टर टूल हो गया, या जेस्पर हो गया, या ChatGPT हो गया, इस तरीके से ये सभी टूल क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ब्लॉग राइट करें, स्टोरी लिख दे रहे हैं, वो भी जिस भी राइटर के संदर्भ में लिखना हो उस राइटर के लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, उन राइटर के टोन में लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो यह एक इन राइटिंग प्रोफेशन के लिए और डायलॉग राइटिंग प्रोफेशन के लिए, फोटोग्राफी प्रोफेशन के लिए, वीडियोग्राफी प्रोफेशन के लिए एक तरीके से उन लोगों की जॉब यह लेते जा रहा है दोस्तों। इसीलिए इसी बात को लेकर वहां पे स्ट्राइक हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज देख लेते हैं कि सॉरी अगला न्यूज देख लेते हैं कि मॉर्फोबोट द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट वॉकिंग ड्राइविंग एंड फ्लाइंग। यह एक ऐसा रोबोट है जो वॉक करता है, ड्राइव करता है और फ्लाई भी कर जाता है दोस्तों। उड़ता भी है, चलता भी है। और अगर कहीं, अगर मान लीजिए यह किसी काम से जा रहा है या किसी काम में इसको लगाया गया है, किसी लॉजिस्टिक काम में लगाया गया है, मेडिकल इमरजेंसी में लगाया गया है, तो दोस्तों यह क्या करेगा कि अपना शेप बदल के यह उड़ भी सकता है और डिलीवरी कर सकता है मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में। यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है मेरे दोस्तों। देखिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही रोबोट है, इसका नाम है मार्फो रोबो, अनलीसिंग द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वॉकिंग ड्राइविंग एंड फ्लाइंग। ए वर्सेटाइल रोबोट कैपेबल ऑफ वॉकिंग। देखिए, स्क्रीन पे ये दिखा रहा है आपको,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना ये नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है उतना मानव के लिए यह असुविधाजनक और सुविधाजनक दोनों बनता जा रहा है। अभी आपने पिछले न्यूज में देखा किस तरीके से राइटर, फोटोग्राफी इत्यादि लोगों का जॉब खतरे में है हॉलीवुड में, तो उसी तरीके से यह जो है यह रोबोट जो है कितना अच्छा सुविधा भी दे रहा है, लोगों को कन्वीनियंस भी दे रहा है, इमरजेंसी में इसका उपयोग भी किया जा सकता है, मानवता की रक्षा के लिए मेडिकल इमरजेंसी में और भी कई चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका आजकल चैट बोर्ड बनाने से में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है। आपको पता है कि चाइना अपना बिल्कुल अलग सिस्टम बनाता है, वह गूगल का भी यूज नहीं करता है। जैसे अपने यहाँ पे गूगल हम लोग यूज करते हैं सर्च इंजन के लिए, वैसे ही चाइना में बाइडू यूज होता है सर्च इंजन के लिए। वहाँ की कोई भी सर्च चीज सर्च करने के लिए वो लोग अपना अलग से सर्च इंजन यूज करते हैं, उसका नाम होता है बाइडू। तो बाइडू ने ही अभी अर्नी नामक AERNI अर्नी नामक एक चैट बोर्ड बनाया है, जिसको ये लोग ये कह रहे हैं कि चैट GPT की तुलना में यह काफी अधिक पावरफुल है, काफी अधिक शक्तिशाली है। इसके इसके आउटपुट देने की जो क्षमता है वो चैट GPT से भी ज्यादा है। इस तरीके से चाइना जो कि अमेरिका से हमेशा कंपटीशन में रहता है सुपर पावर को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के और साइंटिफिक साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जिसे कंपटीशन करता रहता है, यहाँ भी वो ये कह रहा है कि हमने अर्नी नामक एक चैट GPT जैसा ही अपना एक अर्नी नामक एक रोबोट बनाया, चैट चैट बोट बनाया है जो कि चैट GPT से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगले वीडियो में, अगले न्यूज वीडियो में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।